मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा मित्रों, मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो सीधा सीधा आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। वाद विवाद चलते रहेंगे, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन कुछ चीजें बढ़ने से पहले ही अगर रोक लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। जो चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत फैल जाती हैं, उसको बाद में रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर शुरू में ही हम जागरूक होकर के उसे रोक लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसी भाव से मेरा मन करता है आज खास करके मेरे युवाओं से मैं जरूर कुछ बातें करूं। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का नशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और उसकी लत छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऐसा हर कोई कहता है। तंबाकू से नशा उसमें मौजूद निकोटीन के कारण होता है। किशोरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुआं बनता है। इसके माध्यम से निकोटीन का सेवन किया जाता है। सामान्य सिगरेट के खतरों को जहां हम सब भलीभांति समझते हैं, वहीं ई सिगरेट के बारे में एक गलत धारणा पैदा की गई है। ये भ्रांति फैलाई गई है कि ई सिगरेट से कोई खतरा नहीं है, बाकी सिगरेट की तरह इससे दुर्गंध न फैले इसके लिए इसमें सुगंधित रसायन तक मिलाए जाते थे। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, उससे नुकसान होता है ये बेचने वाला भी जानता है, पीने वाला भी जानता है और देखने वाला भी जानता है। लेकिन ई सिगरेट का मामला बहुत ही अलग है। ई सिगरेट को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वे इसके खतरे को लेकर भी पूरी तरह अनजान है और इसी कारण कभी कभी कौतूहल में ई सिगरेट चुपके से घर में प्रवेश कर जाती है और कभी तो कभी जादू दिखा रहा हूं ऐसा करके भी बच्चे एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, परिवार में माँ बाप के सामने भी। देखिए मैं आज नया जादू दिखाता हूं, देखिए मेरे मुंह में से मैं धुआं निकालता हूं, देखिए बिना आग लगाए, बिना दिया सली जलाए, देखिए मैं धुआं निकालता हूं, जैसे कोई जादू का शो दिखा रहा है और परिवार के लोग ताली भी बजा देते हैं। पता ही नहीं है, एक बार जैसे ही घर के किशोर और युवा इसके चंगुल में फंस गए तो फिर धीरे धीरे विष नशे के आदि हो जाते हैं, इस बुरी लत के शिकार हो जाते हैं। हमारा युवा धन बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है, अनजाने में चल पड़ता है। वास्तव में ई सिगरेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आप जानते ही हैं कि जब कोई हमारे आसपास धूम्रपान करता है तो हमें इसका पता गंध से ही चल जाता है। उसके जेब में सिगरेट का पैकेट हो तब भी गंध से पता चल जाता है, परंतु ई सिगरेट के साथ ऐसी बात नहीं है। ऐसे में
कई किशोर और युवा जाने अनजाने और कभी फैशन स्टेटमेंट के रूप में बड़े गर्व के साथ अपने किताबों के बीच में, अपने दफ्तर में, अपनी जेब में, कभी कभी अपने हाथ में लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं और वो इसके शिकार हो जाते हैं। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि नशे का यह नया तरीका हमारे युवा देश को तबाह न कर दे, हर परिवार के सपनों को रौंद न डाले, बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। ये बीमारी, ये आदत समाज में जड़े न जमा दे। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि तंबाकू के व्यसन को छोड़ दें और ई सिगरेट के संबंध में कोई गलतफहमी न पाले। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। हाँ, आपको फिट इंडिया तो याद है ना? फिट इंडिया का मतलब यहां थोड़ा है कि हाथ पैर सुबह शाम दो दो घंटे हम जिम में चले जाएं तो हो जाएगा। इन सबसे भी बचना होता है फिट इंडिया के लिए। मुझे विश्वास है मेरी बात आपको बुरी नहीं लगेगी, जरूर अच्छी लगेगी।